तथा च दर्शयति भगवान् कुर्वन्नपि न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र यच्च पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्थिता जनकादयः इति तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम् तत्कथं यदि तावत् पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोकसङ्ग्रहार्थं गुणांगुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः कर्मसन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिता न कर्मसन्यासं कृतवन्तः इति एष अर्थः अथ न ते तत्त्वविदः ईश्वरसमर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं ज्ञानोत्पत्तिलक्षणां वा संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयम् एतम् एव अर्थं वक्षति भगवान् सत्त्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति इति स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां वक्षति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादिना तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुचितादिति निश्चितोऽर्थः यथा च अयमर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः तत्र एव धर्मसम्मूढचेतसो महति शोकसागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह सो ज्ञान साक्षात मोक्ष फल को देने वाला है और उसको किसी भी प्रकार के कर्म की पराधीनता फल देने में नहीं है, बल्कि वस्तु स्थिति ऐसी है कि ज्ञान के साथ किसी भी प्रकार के कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। यह प्रतिज्ञा है। श्रौत कर्म का भी समुच्चय नहीं हो सकता, स्मार्त कर्म का भी समुच्चय नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी पुरुष में प्रवृत्ति दिखाई देती है वास्तव में वो समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी पुरुष की जो प्रवृत्ति है वो वास्तव में न तत् कर्म, वो कर्म ही नहीं है। इस प्रकार का प्रतिपादन किया भगवान भाष्यकार ने। पीछे एक साधक की पूरी यात्रा का ही निरूपण कर दिया कि जो बिल्कुल सकाम है, सकाम होकर के प्रवृत्त होता है और फिर निष्काम होता है, विशुद्ध सत्व होता है, फिर ज्ञान संपन्न होता है, फिर ज्ञानी होकर के यथापूर्वम प्रवृत्तः यत्नपूर्वकम् बिल्कुल उतना ही प्रयत्न करके उसी तत्परता के साथ फिर से प्रवृत्ति उसमें दिखाई देती है, फिर भी ज्ञानोत्तर काल की जो प्रवृत्ति है
चूंकि वह कर्म रूप नहीं है इसलिए उसका ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं माना जा सकता। दृष्टांत क्या दिया है, जैसे इवन सकाम कर्म में कामना पूर्वक किया हुआ आरंभ किया हुआ कर्म अगर मध्यकाल में ही कामना का लोप हो गया तो भले ही उस कर्म का आरंभ सकाम होकर के हुआ था लेकिन अब उस कर्म को हम सकाम नहीं कहते हैं। तो जिस तरह से सकाम कर्म सकाम नहीं रह जाता कामना का लोप होने से, उसी तरह से प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं रह जाती कर्ता भाव के लोप होने से। ये दृष्टांत का साम्य ये है, जीवत्व के लोप हो जाने से कर्ता भाव के लोप हो जाने से प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं रह जाती न तत्कर्मा। और यह बात गीता में बार बार दिखाई गई, उद्धरण दिया है, तथा च दर्शयति भगवान कुर्वन्नपि न करोति, माने बाह्य दृष्टि में अज्ञ दृष्टि में दूसरों की दृष्टि में कुर्वन्नपि, दूसरों की दृष्टि में प्रवृत्ति दिखाई देती है फिर भी वस्तु स्थिति यह है कि न करोति, वह कर्म करता नहीं है, न तो उसके फल के साथ उसका लोप होता है। न करोति न लिप्यते इति तत्र 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 माने ऐसे वाक्य पूरी गीता में भरे पड़े हैं, अनेक जगह ऐसे वाक्य आए हैं। यहां एक पूर्व पक्ष हो सकता है क्योंकि गीता जी में ही ऐसा एक श्लोक आया है, वो क्या है बोले कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं, बोले गीता में भगवान पूर्वई पूर्वतरम कृतम, तो अर्जुन कर्म त्याग की कोई बात नहीं होनी चाहिए, पूर्व पूर्व के महापुरुष भी कर्म ही करते रहे हैं तो तुम कर्म क्यों छोड़ते हो, यह आदेश आया है। और दृष्टांत में दिया गया, गीता में ही वो दृष्टांत भगवान ने अपने मुख से दिया है, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, जनक आदि जो महापुरुष हुए वो कर्म के साथ ही संसिद्धि में स्थित थे। संसिद्धिम आस्थिताहा, आस्थिताहा बहुवचन है, जनकादयः आस्थिताहा, जनक आदि स्थित थे किसमें, संसिद्धि में, किसके साथ, कर्मणा एव सह तृतीय है, कर्मणा एव सह तृतीय में सह लगता है। तो अब ये जो एक मंत्र है वो कर्म के साथ, हाँ, कर्म के साथ सिद्धि की सूचना देता है, कर्मणा एव संसिद्धिम, समसिद्धिम, नॉट ओनली सिद्धि बल्कि समसिद्धिम, सम्यक सिद्धि। और वह जो समसिद्धि है वो कर्म के साथ ही है, और ऐसी समसिद्धि में जनक आदि महापुरुष रहते हैं, रहते थे, रह चुके हैं। कर्मणा एव समसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, तो मानो की जो भगवान भाष्यकार की प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का गीता जी में विरोध हो गया। गीता जी में बात ये कही गई कि कर्म के साथ ही संसिद्धि होती है, भाष्यकार की प्रतिज्ञा है कि कर्म का सिद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है, दोनों एक साथ रह नहीं सकते, एक पुरुषाश्रयत्वम असंभवम पश्यन्न, ये एक ही पुरुष में ये दोनों बातें नहीं रह सकती, एक साथ नहीं रह सकती, ये प्रतिज्ञा है। तो ऐस दो भगवान भाष्यकार का जो प्रतिपादन है वो मानो गीता जी के
विरुद्ध चला गया तो मूल ग्रंथ से ही विरोध हुआ। भाष्यकार कहते हैं इसीलिए इसका उद्धरण मैं दे रहा हूं। तो ये जो प्रसंग है अथवा ये जो श्लोक है इसको दो तरह से इसकी व्याख्या होनी चाहिए। भाष्यकार बोलते हैं इति तत्तु, तत्तु मान ये जो श्लोक है, तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम्, इसको विभाग करके दो तरह से जानना चाहिए। तत्कथम कैसे, तो अब व्याख्या करते हैं। ये सिद्धांत की दृष्टि से अगेन एक महत्वपूर्ण व्याख्या है। बोलते हैं यदि तावत, अब देखो ये विकल्प रखते हैं भाष्यकार बड़े ही साफ शब्दों में, यदि तावत पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः। बोले यदि तो जो पूर्व के महापुरुष हैं जनक आदि, यदि वो ज्ञानी हैं, यदि शब्द लगाते हैं, मने यह बात मान के चलने की जरूरत नहीं है कि जनक आदि ज्ञानी ही थे, पहली बात। हो सकता है जो प्रचलित बातचीत है उसमें ये झटका लगता हो, लेकिन भाष्यकार जो कहते हैं उसको ध्यान से हमको समझना है। यदि तावत, देखो दूसरे के ज्ञान के बारे में कोई भी व्यक्ति निश्चित नहीं हो सकता। ज्ञान का स्वरूप अपरोक्ष है और अजह अजेन बुध्यते। जिज्ञासु कहां से प्रेरणा पा सकता है यही वो देख सकता है, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार। जिज्ञासु को संत से प्रेरणा मिलती है, और जब प्रमाण विचार होता है तो श्रुति का युक्ति युक्त अभिप्राय प्राप्त हो जाता है, उसमें संभव है ज्ञान निष्ठा कारण हो, लेकिन मुख्य कारण उसमें श्रोत्रिय होना है, क्योंकि उस महापुरुष को है ना, तो परंपरा से प्रमाण व्यापार प्राप्त है, परंपरा का उसके ऊपर अनुग्रह है, इसलिए व्यतिरेक करके देख सकते हैं। संभव है कोई ब्रह्मनिष्ठ हो, लेकिन संभव है कि उपदेश वो न कर पावे कदाचित, क्योंकि उसको पदवाक्य प्रमाणतः यह बोध उसको नहीं है। वो उत्तमोत्तम अधिकारी है, किसी सद्गुरु के सामने गया, शरण में गया, और थोड़े ही उपदेश से उसको मानो बोध हो गया। अब वो प्रमाण व्यापार करवा दे ना, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रमाण व्यापार के लिए तो यही में गुरवे पूर्वे पदवाक्य प्रमाणतः, वहां तो ये चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा की जरूरत तब पड़ जाती है, साधक के संदर्भ में बोल रहा हूं, जब कहीं कोई गूढ़तम विषय हो सामने, तो पदार्थ कोई निकाल ले, लेकिन उसको उसके मर्म को विश्वास पूर्वक अनुभव का बल दे करके शिष्य को समझा दे, इसके लिए स्वयं का अनुभव होना जरूरी है। नहीं तो वो व्यक्ति ऐसा ही बोलता हुआ दिखाई देगा कि अमुक ने ये कहा है और अमुक ने ये कहा है। अब जैसे प्रातः काल की ही बात करें, सर्वसाक्षी शब्द ले लीजिए, तो अब उसमें हम अगर 10 लोगों की टिप्पणियां ही सुनाएं तो हमको बहुत लाभ उससे शायद न होवे। तो कहीं उसकी जरूरत पड़ती है, और इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रुति ने दोनों बातों की मांग की है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ब्रह्मनिष्ठम होने पर, श्रोत्रिय न होने पर उपदेश परंपरा बनती नहीं है।
और दूसरा व्यक्ति ज्ञानी है इस विषय में जिज्ञासु को अनुमान ही हो सकता है, वो भी जिज्ञासु को, क्योंकि वो भी साधना करता है, वो भी अभ्यास करता है और उसकी अनुभूतियां जैसी हैं जब वो सुनते समय उनको सही पाता है तो लगता है कि यहां तक तो जो बात कही जा रही है वो ठीक है। इसका मतलब है कि जो आगे भी जो कही जा रही है जहां मेरा अनुभव अभी नहीं है वो भी ठीक होगा। ये और साधक को ऐसी भी अनुभूति होती है कि हमारा जो अनुभव का धरातल है वहां से हमको उठा लिया गया और हमें उन्नतर अनुभव के क्षेत्र में ले जाने में हमारे आचार्य समर्थ हैं अगर मैं तैयार हूं तो, तभी उसको विश्वास बढ़ता है, उसकी श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन वह भी अनुमान ही है, दूसरे के ज्ञान का कोई अपरोक्ष कर ले ये तो हो नहीं सकता। सो जनक जी ज्ञानी ही थे, ये कौन सर्टिफाई करेगा? किसी के ज्ञान को कोई सत्यापित करने की भूमिका में नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है क्रिश्चियंस की तरह कि वो सर्टिफाई करेगा कि मदर टेरेसा संत थी या नहीं थी। वैदिक धर्म में वी डू नॉट हैव एनी इंस्टीट्यूशन लाइक दिस। तो हमारी श्रद्धा है, हमारा अनुमान है। भाष्यकार जब बोलते हैं तो उसमें निषेध नहीं है जनक के ज्ञान का, लेकिन ये मान के चलना, टेकन फॉर ग्रांटेड, देखो एक विचारक जो है वो इस तरह की बात भी नहीं कर सकता, तो वो यदि लगा के बात करते हैं, यदि तावत। ये प्रसंग ऐसा है, कम से कम हम अपने बारे में बोल सकते हैं कि भगवान भाष्यकार का जो श्रुति प्रेम है, शास्त्र प्रेम है, सत्य प्रेम है, उससे मन खिल जाता है। बोले ऐसा होगा तो ऐसा है, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा है, दोनों विकल्प हमारे सामने खोल के रख दिए। बोलते हैं यदि तावत पूर्वे जनक आदय तत्वविदा, यदि जनक आदि तत्वविद हैं आदिपद से, और भी जो इस तरह के महापुरुष होंगे, राजा होंगे या प्रवृत्ति कर रहे होंगे, यदि तावत पूर्वे जनक आदय तत्वविदः अपि प्रवृत्त कर्माणस्युः, तत्वविद होने के बाद भी कर्म में प्रवृत्त थे, तो ये कहना पड़ेगा कि उनकी प्रवृत्ति सकाम नहीं थी, एक, साहंकार नहीं थी, दो, ये कहना ही पड़ेगा। तो उनकी प्रवृत्ति का प्रेरक कौन बनेगा? लोक संग्रहार्थम। देखो सिद्धांत से कोई समझौता नहीं हो सकता। फलाभिसंधि, साहंकार, ये दोनों बात ज्ञानी की प्रवृत्ति के प्रेरक नहीं हो सकते। तो भाष्यकार बोलते हैं लोक संग्रहार्थम, लोक संग्रहार्थम को ही आप ऐसा समझो, इसको परेच्छा प्रारब्ध भी बोलते हैं हमारे सिद्धांत में। एक शब्द है लोक संग्रह और दूसरा शब्द है परेच्छा प्रारब्ध, ये एक सैद्धांतिक व्याख्या है ज्ञानी की प्रवृत्ति की। लोक संग्रह जब बोलते हैं तो वो कई बार सभी को समझ में नहीं आता, कारण क्योंकि लोक संग्रह की इच्छा किस में है? ज्ञानी में। अब इच्छा वाला हो गया हो तो फिर है ना, सकाम माना जाएगा, चाहे भले ही वो भोग की इच्छा न रखता हो, मानो वो लोक लोकांतर की इच्छा न रखता हो, संभव है उसको दिव्य अनुभूतियां नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको लोक सेवा चाहिए,
उसको लोगों का उत्थान चाहिए, तो ही कैन बी टर्म्ड एज ए सोशल वर्कर। ये जो सामाजिक सेवा वाले लोग हैं, ये भी तो लोक संग्रह कह ही सकते हैं। लेकिन लोक संग्रह की इच्छा उस ज्ञानी के अंतःकरण में स्वीकार करनी पड़ेगी, और उस इच्छा से उसको युक्त मानना पड़ेगा। तो कई बार वो लोक संग्रह शब्द बहुत सटीक नहीं होता, इट माइट मिसलीड समवन। तो इसलिए जो बिल्कुल शुद्ध सैद्धांतिक शब्द है वो है परेच्छा प्रारब्ध। परेच्छा प्रारब्ध, स्वेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध। गुड। तो प्रारब्ध में तीन विभाग हो जाते हैं। बहुत सारी चीजों की कोई इच्छा ही नहीं है और वो प्रारब्ध से घटता है। कोई चीजें हैं, कोई ऐसा प्रारब्ध है जो आपके हृदय में इच्छा बन के आता है फिर घटता है, इसको क्या बोलेंगे? स्वेच्छा प्रारब्ध। और कोई ऐसी चीजें हैं जो दूसरे के अंतःकरण की इच्छा बनती है और घटती मेरे ऊपर है। ये भी होता है भाई, दूसरे के मन में इच्छा हुई कि ब्रह्मचारी लोगों को आज कुछ भंडारा किया जाए, तो ब्रह्मचारी इच्छा बेचारा कर भी नहीं सकता, क्या करे। लेकिन अगर राजवर्धन के अंतःकरण में आ गया कि आज नया वर्ष है और कुछ होना चाहिए, तो अब ये उनके अंतःकरण की इच्छा हुई वो तो ठीक है, लेकिन उन्हीं पर थोड़ो घटी। पता चला कि सभी पर घटी और कुछ लोगों ने जो है नहीं घटी तो सही। तो और मैंने ऐसी घटी कि कुछ लोगों ने गुलाब जामुन को रसगुल्ला समझ लिया। और इतना ही नहीं, वो प्रवचन तक आया। तो हम घटती है ऐसी बातें, ऐसी क्या बात है। तो इसको बोलते हैं परीक्षा प्रारब्ध। तो अभिप्राय यह है कि ज्ञानी की प्रवृत्ति दूसरों की इच्छा से होती है। प्रवृत्ति ज्ञानी के ऊपर घटती है, इच्छाएं दूसरों की होती हैं। अब ये कहा जाएगा कि उसी का प्रारब्ध है जो दूसरे की इच्छा बन करके प्रकट हो रहा है। परीक्षा प्रारब्ध कोई लोगों का प्रारब्ध नहीं है, वो है चूंकि हमारे ऊपर घट रही है, इस शरीर के ऊपर घट रही है, इसलिए होगा मेरा ही प्रारब्ध, लेकिन दूसरे के अंतःकरण में इच्छा प्रकट होकर के फिर पूरा हो रहा है। तो प्रारब्ध को पूरा होने के तीन प्रकार हो गए। एक ऐसा न हमारी इच्छा है न दूसरों की इच्छा है। कोई व्यक्ति जा रहा था, फिसल गया, गिर गया, अब लोग अब वो किसी दूसरे, ये ना आरोप लगा देना कि बगल में वो जा रहा था ब्रह्मचारी, उसने कोई मंत्र पढ़ा होगा और उसकी वजह से, नॉट दैट वे। दूसरे की भी इच्छा नहीं है और मेरे ख्याल से तो किसी को गिरने की इच्छा नहीं होती है, तो स्वयं की इच्छा भी नहीं है, लेकिन अनिच्छा से। तो एक तो प्रारब्ध पूरा होता है बिना किसी की इच्छा, माने प्रत्यक्ष रूप से इच्छा दिखती ही नहीं है, और दूसरा पूरा होता है कभी स्वयं की इच्छा कभी दूसरे की इच्छा। अब ज्ञानी की जो परीक्षा प्रारब्ध है उसमें उसका स्वयं का प्रारब्ध दूसरों की इच्छा बन करके उससे प्रवृत्ति करवाता है। एक सिद्धांत यह है,
और परीक्षा प्रारब्ध में ही एक सिद्धांत और है कि ईश्वर की इच्छा दूसरों के अंतःकरण में पैदा हो करके ज्ञानी के शरीर से प्रवृत्ति करवाता है, ज्ञानी के अंतःकरण में इच्छा को प्रवृत्त करता है। भाई अंतःकरण भी उसकी एक उपाधि है और जरूरी नहीं है कि उसी के संस्कार इच्छा बन करके उसके अंतःकरण में प्रवृत्ति करें। आपके साथ भी ऐसा हर समय नहीं होता, मानो आपको कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपका मित्र जो है वो आपके शरीर में नहीं आपके अंतःकरण में इच्छा को प्रेरित कर रहा है। ठीक, तो मित्र के मन की इच्छा ने आपके अंतःकरण को प्रवृत्त किया, तो इच्छा इंजेक्ट हुई कहां, आपके अंतःकरण में। तो केवल शरीर ही दूसरे के कारण चलता है ऐसा नहीं है, बल्कि अंतःकरण भी दूसरे के कारण चलता है, ये भी जानना चाहिए। मुंडक उपनिषद में लिखा कि कोई ऐसा भी होता है कि ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में अपने लिए शुभ संकल्प पैदा करवा देता है, सेवा करके, प्रार्थना करके। और श्रुति ने कहा कि इसलिए सकाम व्यक्ति को ब्रह्मनिष्ठ की आराधना करनी चाहिए। तस्मात् आत्मज्ञः ह्यर्चयेत् भूतिकामाः। जो वैभव कामी लोग हैं वो आत्मज्ञ की अर्चना करें। क्यों? क्योंकि इच्छा तुम्हारे हृदय में है, तुम पूरी कर नहीं सकते। अगर वो इच्छा कहीं उसके अंतःकरण में चली गई, अगर उसके अंतःकरण में ये संकल्प आ गया कि इसका भला हो जाए, बस फिर तो यम यम लोकम मनसा संविभाति तम तम लोकम जयते या तांश्च कामान। और ये कोई साधारण नहीं, श्रुति ने कहा है। तो इसलिए तो हम देखते हैं ज्ञानियों के पीछे सकामी लोग भी रहते हैं, ऐसा थोड़ो कि केवल जिज्ञासु ही रहते हैं, सकामी लोग भी रहते हैं। और अगर उसके चित्त में सेवा ऐसी चीज है कि चित्त में मंगल कामना को पैदा कर ही देती है, सेवा भी कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत भारी चीज है। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचार्य जी तो कहते थे कि नेहरू जी पैदा ही इसी तरह से हुए, ये बोले। काली कमली वाला बाबा ने उनको किसी संत का पता दिया और वहां जाके वो महाराज पैर पकड़ के बैठ ही गए, मोतीलाल नेहरू। अब उनके मन में संकल्प आया, अच्छा जा, तो जा तो हो गया। परीक्षा प्रारब्ध में यह भी शामिल है। अब देखो इच्छा का प्रसारण कैसे हो रहा है। ईश्वर इच्छा दूसरों के अंतःकरण में आई और दूसरों के अंतःकरण की इच्छा फिर ज्ञानी के अंतःकरण में आई और फिर ज्ञानी की प्रवृत्ति हुई और वो पूरा हुआ। मैं कहूंगा यह गुरुकुल, मैंने आर्टिकल यही लिखा जब रजत जयंती मनाई गई सांदीपनी की, इस सांदीपनी हिमालय की, तो मेरा जो निबंध था वो यही था। गुरुदेव ने बनाया, यहां से हमने शुरू नहीं किया, हमने आरंभ किया प्रभु ने संकल्प किया कि हिंदी भाषा भाषी लोगों को जो हिंदी भाषा में वेदांत को पढ़ना चाहते हैं और इस तरह के कुछ साधक हैं उनके लिए कोई गुरुकुल होना चाहिए। अब ये इच्छा प्रभु की है, वह इच्छा कहीं न कहीं इंजेक्ट होनी चाहिए।
वहां इंजेक्ट होनी चाहिए जहां से वो पूरी हो सके। तो देखो, तो गुरुदेव के चित्त में वह अंतःकरण में ये संकल्प आया। गुरुदेव ने स्वयं बताया, यहीं बैठ के बोले, गॉड वॉज लुकिंग फॉर समवन, ऐसे वो ड्रामेटाइज किया उन्होंने। एंड देन ही सॉ सडनली दैट, अपना नाम लिया उन्होंने, दैट ही इज गोइंग वॉकिंग। देन ही थॉट, हियर इज ए मैन, लेट हिम डू दिस जॉब। And then he injected those thoughts into me. नाम लेते थे अपना, मी बोलने के बजाय। And then he, अपना नाम लेके बोला उन्होंने, then he was looking someone. So Gurudev was also looking someone who is going to complete this. And then he saw Jagdish Saji is going here and there. Then managing trustee, पहले managing trustee वही थे। They have made these things for us. We are grateful. क्योंकि वो तो गांव में रह के, such a big man, इसी गांव में किराए में रह के, जहां बाथरूम भी नहीं मिलेगा, तो वहां से रह के दो आदमी, रोड भी नहीं थी, बिजली नहीं, टेलीफोन नहीं, पानी का कनेक्शन नहीं, ये तो अभी तो हमको केवल चलाना है, तो यहाँ तो बंजर भूमि थी, सिद्धबाड़ी से एक पत्थर की सड़क थी, सामान लाने के लिए पहले रोड बनवानी, तो सरकार के साथ डील करके करके करके, पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, रोड, ये तो जब हम याद करते हैं तब तो सब चीजें, तब महिमा मालूम पड़ती है। सो दे क्रिएटेड। फिर हम पढ़ने आए तो बन रहा था, तो हम लोग भी सीमेंट ढोते थे सिर पर, तसले उठाते थे, ये ड्राइंग डाइनिंग हॉल को लिंटर डालना था, तो हम लोग दिन भर लगे रहे, ब्रह्मचारी लोग। ट्रक आती थी कभी रात को, लेबर होता नहीं था, तो हम ही अनलोड करते थे। तो निर्माण काल में तो ये सब होता है, इसलिए हंसी आई। कभी किसी बैच में ये हॉल साफ करने के लिए जब मैं आया कहीं से दौरे से, तो कहा गया कि हफ्ते में ये हॉल की सफाई के लिए एक दो मजदूर रख दिए जाते हैं। हमने कहा शाबाश, जिसमें हमारे ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं वो खुद साफ नहीं कर सकते, ऐसे तो बहादुर लोग हैं, ये क्या करेंगे आगे जाके मालूम नहीं। ब्रह्मचारी लोगों ने क्या क्या किया है। गुरुदेव ने पहला कोर्स जब वहां लिया बंबई में, तो लोग दाल बीनते थे। तो जैसी जब जैसा समय होता है वैसा करना होता था, वो अपने ढंग, अपने अपने लेवल का सब तप है। तो गुरुदेव बोले कि देन आई सॉ जगदीश प्रसाद जी इज गोइंग हियर एंड देयर एंड ही इज कैपेबल, बस कॉट हिम, चलो भाई तुम। वो आए, विनोद जी आए, मधवाल जी आए, बाटिया जी आए, दीज वेयर द पीपल। तो ऐसे संकल्प उतरता है और एग्जीक्यूट होता है, इसको बोलते हैं परीक्षा प्रारब्ध। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, ज्ञानी की प्रवृत्ति का विवरण कैसे करें। वो करता है नहीं, भोगता है नहीं, भोगता न होने से फलाभिसंधि नहीं है, करता न होने से साहंकार नहीं है, पहले बोल चुके हैं, वो याद रखना। तो बोलते हैं अपि प्रवृत्त कर्माणा स्युः ते, ते जनका देह ते लोक संग्रहार्थम। तो निश्चित रूप से अगर तत्वविद में प्रवृत्ति मानते हैं तो वह प्रवृत्ति लोक संग्रह के लिए है, और दूसरा शब्द होगा
परेच्छा प्रारब्ध के कारण है। ये शब्द जरूर ध्यान में रखिएगा। लोक संग्रह पर लोग आपत्ति करते हैं और हमको भी आपत्ति होती है। जब कई बार पढ़ा तो मन में आता ही था कि लोक संग्रह की इच्छा रह गई ज्ञानी में, इसका मतलब तो ये भी तो एक प्रकार का बंधन ही हुआ। नहीं, जाहि न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गे। गोस्वामी जी ने व्याख्या की, ऐसे ज्ञानी का अंतःकरण प्रभु का अपना घर है। अपना घर है, निज गे है, अतिथि नहीं है वहां, वो अपना घर है। मतलब वहां बैठ करके उसको जो दुनिया के लिए करना है वो वहां बैठ के करता है। और इसीलिए ज्ञानी को नित्यावतार बोलते हैं। ये ब्रह्मज्ञानी से धरती धन्य रहती है, माने प्रभु से ही धन्य है, समझो आप। तो एक तो प्रासंगिक अवतार होता रहता है और एक ये नित्य अवतार है। धरती कभी भी इसके बिना नहीं होती, ज्ञानी तो हमेशा ही रहता है। ये लोक संग्रहार्थम, उनकी वृत्ति भीतर क्या रहती है ज्ञानी की, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम्। संसिद्धि का हेतु क्या है? संसिद्धि का हेतु है ज्ञानेन। कौन सा ज्ञान? ज्ञान क्या है? गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति, बस यह उसकी ज्ञान वृत्ति निरंतर प्रज्वलित है। उसकी ज्ञान वृत्ति में कहीं कोई अस्पष्टता, कहीं कोई मलिनता होती नहीं। ज्ञान प्रज्वलित है, जा ज्वल्यमान है निरंतर। इस ज्ञान के कारण, इस ज्ञान से संसिद्धि है। ज्ञानेन संसिद्धिम्, ज्ञानेन एव, एव लगाया, इसका अभिप्राय क्या है? न तु कर्मणा, ये ज्ञान एव शब्द का अर्थ होगा, न तु कर्मणा। संसिद्धि जो आई है वो ज्ञान से आई है। ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिता, ज्ञान से ही उन जनक आदि को भी संसिद्धि प्राप्त हुई थी। अच्छा, जब संसिद्धि प्राप्त हो गई तो कर्म संन्यास प्राप्त, उनको भी कर्म संन्यास प्राप्त हुआ था। प्राप्त होने पर भी कर्म संन्यास प्राप्त अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिता, उन्होंने संन्यास नहीं किया, कर्म के साथ ही अपनी संसिद्धि में बने रहे। ठीक हो गया, अपनी संसिद्धि में बने रहे। किसके साथ? कर्म के साथ ही। कौन सी संसिद्धि? जो ज्ञान से मिली थी, ये व्याख्या जरूरी है। जो ज्ञान से मिली हुई संसिद्धि थी उसमें बने रहे। किसके साथ? कर्म के साथ। और कर्म के प्रति दृष्टि क्या है उनकी? गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ये दृष्टि है। ये व्याख्या होनी चाहिए, भाष्यकार बोल रहे हैं। जनक की प्रवृत्ति की यही व्याख्या होनी चाहिए अगर आप उनको ज्ञानी मानते हो तो। अन्य व्याख्या करना अपराध होगा, शास्त्र से विरोध होगा। माने कर्म के साथ रहे माने क्या? न कर्म संन्यासम कृतवंतः इति एषः अर्थः। उन्होंने कर्म संन्यास नहीं किया, कर्म संन्यास प्राप्त था लेकिन उन्होंने कर्म संन्यास नहीं किया। क्यों नहीं किया? लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह माने क्या? हाँ, परीक्षा प्रारब्ध के कारण। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज भीतर घट चुकी है लेकिन परीक्षा प्रारब्ध आपको निवृत्त जीवन जीने नहीं देता।
इसलिए प्रवृत्ति देख करके कोई अज्ञानी है ज्ञानी है अगेन ऐसी कोई व्याप्ति नहीं बना सकते कि यो प्रवृत्त स अज्ञानी अथवा यो निवृत्त स ज्ञानी, कोई व्याप्ति तो बन नहीं सकती। इसलिए पक्का अनुमान तो बनता नहीं। प्रवृत्ति तो गुरुदेव में भी थी। अच्छा तपोवन जी महाराज में भी प्रवृत्ति तो थी भाई, इतने पर्वतों का विभ्रमण करते रहे हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी दूर दूर तक जाना, इतनी प्रतीक्षा पूर्वक रहना, वो क्या प्रवृत्ति नहीं थी क्या? प्रवृत्ति की शकल बदल गई, लेकिन प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है। कैलाश जाने की इच्छा तो इच्छा ही है, इच्छा की शकल ही तो अलग है। इसलिए जरूरी नहीं है कि कर्म संन्यास प्राप्त होने पर भी कर्म संन्यास हो ही जाए। अगर परीक्षा प्रारब्ध है, अगर परमात्मा की योजना में मुझे करण बताने की, करण बनाने की योजना है, तो गुरुदेव जैसे खुला बोलते थे, ही सॉ एंड हियर इज ए गाय, हियर इज ए मैन हु विल डू माय जॉब। और उसका थोड़ा अनुमान होता है कि कोई एक व्यक्ति विदाउट एनी प्रॉपर्टी एंड मनी, यू नो, कोई बिरला जी के लड़के अगर इंडस्ट्री लगाएं तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, लेकिन एक लंगोटीधारी आदमी एक कपड़ा कंधे पर रखे हुए है ना, उत्तरकाशी से उतरता है और 35 साल में है ना एक ऐसी सुव्यवस्थित संस्था निर्माण करता है जो उसके जाने के बाद उसी गति से चलती है। यहां एक आदमी तंबू खड़ा करता है और उसी बांस पर तंबू खड़ा रहता है, और जैसे ही वो बांस हटा, हाँ बस हो गया तंबू पूरा। वन विवेकानंद जी द सेकेंड वॉज गुरुदेव। वी हैव सीन मेनी इंस्टीट्यूशंस हैव कम अप, लेकिन हाँ आठवले जी को देखो, कितनी बड़ी संस्था रही है पांडुरंग शास्त्री आठवले, इतनी बड़ी संस्था रही है आप सोच नहीं सकते, जो लोग थोड़ा जानते होंगे जानते होंगे। आज उसकी दशा क्या है, और उनको गए हुए कितने दिन हुए। ऐसे होता है, बनाना और इस हैं? हाँ मैंने, लेकिन कैसे चल रही है पता नहीं, क्या क्या हो रहा है। अब कहने में कुछ अटपट न हो जाए इसलिए मैं इसको विराम देता हूं, लेकिन सी इतनी बड़ी संस्था है, आप सोचिए। प्रयाग में तीर्थ मिलन समारोह किया उन्होंने, मैं उस समय प्रयाग में ही रहता था, पता नहीं रूपेंद्र को याद है गया होगा कि नहीं गया, उस समय शायद रुचि नहीं रही होगी। ये 84-85 की बात होगी। 300,000 लोग आए, एक नया माघ मेला लगाना पड़ा प्रशासन को, और उन्होंने माघ केवल प्रशासन से इतना मांगा था कि आप वो जो लोहे वाली सड़क होती है वो बिछा दीजिए, पानी का कनेक्शन दे दीजिए, बस बाकी हम सब कर लेंगे। इट वॉज सो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और सारे नेशनल लीडर आए हाजिरी देने के लिए, वाजपेयी जी भी आए, वीपी सिंह भी आए, उस समय वही लोग थे, अडवाणी जी भी आए, मेरे पास भी वीआईपी पास था, पता नहीं कहां से खोजा, भेजा गया मेरे पास, बताओ कि यहां चिन्मय मिशन का संस्थान है, अब तो गुरुदेव का नाम का प्रताप है ना, तो वहां एक पास आया आश्रम में, तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड एक चीज जो है पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। तो बैकग्राउंड
किसी के पास पहले से कुछ हो तो आगे बढ़ा ले, वो एक बात होती है, और एक व्यक्ति इस तरह का काम करे तो ये कोई व्यक्ति की उपलब्धि है ऐसा मानने में बहुत अच्छा लगता नहीं है, जब तक कि उसके पीछे कोई है ना अतिमानवीय संकल्प न हो, अतिमानवीय हाथ न हो, पूरा नहीं हो सकता। लोगों का जीवन पूरा हो जाता है एक घर बनाने में, है ना, तो हाँ बस इतना ही होता है। यहां बताइए, और न केवल बनाना, फिर उसके बाद उसको इस तरह से व्यवस्थित करना, प्रभु करे नजर न लगे, बट आप सोचिए कि इतना विराट व्यक्तित्व जब दैहिक रूप से अनुपलब्ध होता है और उस समय फिर वो संस्था चलती है और किसी को भार अनुभव नहीं होता है, ये कोई साधारण बात है। तो हम तो उस पंक्ति को ही महसूस करते हैं, सो राउर निजगे है, परमात्मा अपने संकल्प को चरितार्थ करना चाहता है जिसके साथ, जिसके द्वारा वो करवाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे लोगों को नित्यावतार, ऐसे लोगों को कारक योनि बोलते हैं, कारक पुरुष बोलते हैं, कारक पुरुष सबसे नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहते हैं, परमहंस जी से कहा कि मैं दयानंद जी से शास्त्रार्थ करूं क्या, क्योंकि दोनों का काल एक है, ध्यान रखना, आर्य समाज के दयानंद जी और विवेकानंद जी, वो सनातनी, ये आर्य समाजी। तो परमहंस जी ने उनको मना किया कि ये किसी प्रयोजन से आए हैं, कारक पुरुष हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, आपको अपना काम है, आप अपना काम करिए, और दोनों की उपलब्धि अपनी जगह पर है, नहीं तो दोनों को टकराना चाहिए था। माने स्वामी विवेकानंद जी की मेधा सोचो, एक बार किताब उन्होंने देखी और दूसरे दिन वापस कर दी, लाइब्रेरियन हंसा उनके ऊपर कि मैंने, उसने व्यंग किया कि आपके बस की बात नहीं रही होगी तो आप लौटा लाए, बोले पढ़ लिया आपने, बोले यस, उसको बड़ा झटका लगा, बोले आई डोंट बिलीव, बोले यू कैन आस्क एनी पेज, इसको बोलते हैं दैवी शक्तियां। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहीं उन्होंने लेक्चर दिया तो किसी ने पूछा कि वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट समबडी वॉज प्लेइंग फ्लूट एंड अदर पीपुल वेर जस्ट फॉलोइंग हिम बिहाइंड, एक बांसुरी बजाने वाले के पीछे घूमने वाला ये क्या हो सकता है, इतनी कौन बांसुरी में इतनी क्या बड़ी बात है। ही केप्ट क्वाइट। दूसरे दिन स्पीच दी उन्होंने, और जब बाहर निकले लोग पीछे पीछे चल रहे थे। ही सेड मैं तो उनका एक भक्त हूं, वो स्वयं भगवान थे, तुम लोग क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो, तुमको समझ में आया कि कैसे पीछे भागते हैं। इसको संपत्ति बोलते हैं, ये कोई मानवीय उपलब्धियां नहीं है कि मानव अपनी पसीना बहाए और दंड बैठक करके। सो जनक की प्रवृत्ति की व्याख्या ऐसे ही होनी चाहिए, और अन्यथा करने पर गलत हो जाएगा, ये भाष्यकार ने कहा। पहला पैराग्राफ ये है, अगर आप उनको तत्वविद मानते हो तो, और नहीं तो देखना आगे, ये भी खुला है, अथ नते तत्वविदः मिला, यदि हाँ जी, इसमें क्या दिक्कत है, विचार तो विचार है,
अथ न ते तत्वविदः, और यदि जनक आदि तत्वविद नहीं थे तब उनकी प्रवृत्ति की व्याख्या कैसे करेंगे? ये देखो, तब ईश्वर समर्पिते न कर्मणा, वहां था तृतीया ज्ञाने न, ध्यान ध्यान रखना संस्कृत का, ऊपर के पैरा में तृतीया विभक्ति ज्ञाने न, ज्ञाने न समसिद्धिम, अब यहां बदल गया, देखा ऐसे अर्थ बदलता है, ऐसे व्याख्या बदलती है, उसी समसिद्धि का हेतु कर्म हो गया, संसिद्धि शब्द का, और पहली वाली संसिद्धि का हेतु ज्ञान है, तृतीया बदली है। देखो बोलते हैं अथ न ते तत्वविदः, तो कर्मणा, कैसा कर्म? ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधन भूतेन समसिद्धिम, और समसिद्धि का अर्थ बदला, हाँ समसिद्धि का अर्थ है सत्व शुद्धिम, कैसा? ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम, वा सत्व शुद्धि द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वह भी अर्थ हो सकता है, अथवा सत्व शुद्धि को ही सिद्धि माना जा सकता है, गीता में ही अंतःकरण की शुद्धि को सिद्धि शब्द से पुकारा गया है, अभी दिखाएंगे वो। समसिद्धिम सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम वा समसिद्धिम आस्थिता जनकादयः इति इति व्याख्येयम्, इस प्रकार से व्याख्या होनी चाहिए। एतम एव अर्थम वक्षति भगवान, और यही अर्थ भगवान स्वयं बोलेंगे, क्या? सत्व शुद्धये कर्म कुर्वन्ती, श्लोक कौन पूरा करेगा? योगिनः कर्म कुर्वन्ती संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, ये वही शब्द है, अन्वय करके लिख दिया तो आदमी गड़बड़ा ही जाता है, क्योंकि याद है एक तरीके से, भाष्यकार अन्वय करके कोट कर देते, इज प्लेइंग विद अस, हमारे साथ थोड़ा खेल रहे हैं बोलते हैं सत्व शुद्धये कर्म कुर्वन्ति इति, और सिद्धि शब्द अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहा गया, ये दिखाते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, किस अध्याय का है? यही तो तिवारी जी को झंझट थी कल, बड़ी जोर से आपत्ति करी महाराज निकलते ही, बोले बताइए हम बिगनर लोग हैं और ये 18वें से लेकर के हर जगह का उद्धरण दिया जा रहा है, ये क्या हमारे साथ न्याय हो रहा है? अरे भाई थोड़ा अन्याय बर्दाश्त कर लिया जाए जब आप 2-3 बार गीता अच्छी तरह से पढ़ लोगे तब ये प्रस्तावना भाष्य आपको अमृत लगेगा। We revel in that, ये हमारे रमण का क्षेत्र है, तो पूरी गीता सामने दिखाई देती है, यही तत्व है उसका तो कुछ हम लोगों के लिए भी रहने दिया जाए, उसमें क्या है, सब आप ही के लिए होगा तो कैसे काम चलेगा, हाँ आपके लिए भी हो जाएगा, चिंता की क्या बात है तो बहुत जोर से आपत्ति करी, मैंने कुछ बोला नहीं, हर समय बोलने का मन नहीं होता, तो देखो स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः इति उक्त्वा, सिद्धि को सत्व शुद्धि के रूप में कह करके फिर सिद्धिं प्राप्तस्य, जिसको सिद्धि मिल गई, सिद्धि मिल गई माने जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञान निष्ठां वक्षति, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, पूरा करो
पूरा बोलिए फिर से। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। सिद्धि प्राप्त होने के बाद जिस प्रकार से तुम ब्रह्म को प्राप्त करोगे, अब वो सुनो। तो ज्ञान निष्ठा सिद्धि के बाद बताई गई है। इसका क्या अभिप्राय है कि सिद्धि शब्द का अर्थ जो जनक के साथ लगाना है वो दोनों तरह से लगाई जा सकती है। सत्व शुद्धि को भी संसिद्धि बोल सकते हैं और आत्मनिष्ठा को भी संसिद्धि बोल सकते हैं। जब आत्मनिष्ठा करेंगे तो हेतु होगा ज्ञान, और उसमें भी एव लगेगा, ज्ञाने ने एव। और जब सत्व शुद्धि संसिद्धि होगी तब हेतु होगा कर्म। लेकिन कौन सा कर्म? ईश्वर समर्पिते न, ये तो कर्मणा सह संसिद्धिम, ये तो ठीक ही है। फिर तो कर्मण ही वही संसिद्धिम, कर्म से ही सिद्धि, उसमें सह लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें तो कर्म साधन भूत हो गया। ये सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादिना तस्मात्। तो ज्ञानी की प्रवृत्ति का भी व्याख्यान करने के बाद भाष्यकार अब बोलते हैं, तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति। इसलिए गीताओं में, गीतासु बहुवचन है क्योंकि 700 गीत हैं नारायण। तो गीत माने गाना, हाँ, तो हर श्लोक एक गीत है, इसलिए बहुवचन करते हैं। तस्मात् गीतासु केवलादेव तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति। जहां तक गीता का प्रश्न है, भगवत गीताओं में, भगवान के गीतों में केवल एक सिद्धांत सिद्ध है कि मोक्ष प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है, न कर्म समुचितात्। और उसको कर्म के सहारे की जरूरत नहीं है। इति निश्चितः अर्थः, यह अर्थ निश्चित है। ये हमारी गीता के बारे में प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा को मैं पूरी गीता में दिखाऊंगा। ये प्रतिज्ञा फिर करी, क्या बोलते हैं, यथाच अयम अर्थः तथा प्रकरणशः विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। जैसे यह अर्थ हमने बोला है वह अर्थ हम आपको हर प्रकरण में विभाग करके दिखाएंगे। द्विधो ही वैदिको धर्मा प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। यह विभाग वेद में भी है, यह विभाग गीता में भी है। जीवन को जिस तरह से हमारे शास्त्रों ने देखा है उसमें यह बात बिल्कुल साफ है, मोक्ष प्राप्ति ज्ञान से। कर्म की अवस्था दो हो सकती है, तीन हो सकती है। एक कर्म है जो पतन कराता है, जिसको हम निषिद्ध बोलते हैं। एक कर्म है जो सकाम है, जो अभ्युदय देता है, लेकिन विहित कर्म है। और वही जो विहित कर्म है यदि निष्काम हो जाए तो वह सत्व शुद्धि देता है। बस जीवन की यही व्याख्या है। वैदिक धर्म में हर चीज ठीक ठिकाने लगा दी गई, निषिद्ध कर्म अधः पतन, सकाम कर्म विहित अभ्युदय, विहित कर्म निष्काम सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि द्वारा जिज्ञासा और उससे ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। इस व्यवस्था में जो जहां खड़ा है अपने को देख ले, और इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को अनुमति नहीं है। अनुमति माने अगर कोई व्याख्या अटपटा करोगे तो ये व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई देगी। अगर आप कहोगे ज्ञान और कर्म एक साथ रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा।
अगर आप कहोगे सकाम निष्काम एक साथ चलाओ, वो गलत हो जाएगा। अगर आप कहो निषिद्ध से अभ्युदय कराएंगे तो वो गलत हो जाएगा। माने जो व्यवस्था है वैदिक धर्म में, जिस तरह से जीवन को आर पार देख करके निर्णय कर लिया गया कि कर्मों की साधनों की ऐसे व्यवस्था है, किसका समुच्चय हो सकता है किसका नहीं हो सकता है। कर्म और उपासना का समुच्चय हो सकता है, लेकिन कर्ता और अकर्ता का समुच्चय नहीं बनता। ये तो ये वेद में वही बात है, गीता में भी वही बात कही गई है, तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। तत्र एवं धर्म सम्मूढ चेतसो महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य। धर्म सम्मूढ चेतसः षष्ठी है एक वचन। यह जो धर्म से सम्मोहित जिसका चित्त हो गया है, धर्म के विषय में, धर्म से नहीं, धर्म के विषय में जिसका चित्त पूरी तरह मूढ़ हो गया, सम्मोहित हो गया, और इस सम्मोह के कारण महति शोक सागरे निमग्नस्य, जो महान शोक सागर में उब चुब कर रहा अर्जुन है, उस अर्जुन ने देखा कि मेरा और उद्धार का कोई भी मार्ग नहीं है सिवाय आत्मज्ञान के। अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन्न। जब तक पश्यन्न है तब तक गुरु प्रसति ही नहीं होती, इसलिए अर्जुन ने अपने मुंह से कहा नहीं नहीं प्रपश्यामि। तो आत्मज्ञानात् अन्यत्र उद्धरणम् अपश्यन्न भगवान वासुदेवः। ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान वासुदेव ततः अर्जुनम उद्दिधार ईशुहु, उस शोक सागर से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले प्रभु ने, वासुदेव भगवान ने आत्मज्ञानाय अवतारयन, आत्मज्ञान का अवतरण कराते हुए, आत्मज्ञान के लिए अवतरण कराते हुए हा हा ये कहा। ये जो कहा वो प्रक्रिया है किस चीज के अवतार की, किस के अवतार के लिए, आत्मज्ञान के अवतार के लिए। तो आत्मज्ञानाय अवतारयन्न आह भगवान वासुदेव। ओम तत्सत्। कल देखेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।